हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू डोंट वे डॉक्टर वंस अगेन। तो ये वीडियो है, जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, DJI Phantom Pro V2 लॉन्च हो चुका है। अब इसमें मैं अपने आपको विचार बताने वाला हूँ कि ये ड्रोन किन के लिए है, किस सेगमेंट को टारगेट करता है और क्या नया है इसमें, और कुछ नया है भी या नहीं टेक्निकली। मतलब टेक्निकली तो नया होगा, मतलब प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसको लेने का क्या प्रैक्टिकल मतलब यूज है या नहीं, कुछ नया मतलब वाव फैक्टर वाला चीज इसमें आई है या नहीं। तो पूरा वीडियो देखें, 3-4 दिन हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए, तो आई वॉज क्वाइट बिजी। लॉकडाउन चल रहा है, सबको पता है, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में चल रहा है एक तरह से लॉकडाउन। इंडिया में भी लॉकडाउन है, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, तो उस वजह से थोड़ा डिले होगा, इसलिए माफ़ कीजिएगा। तो अगर आप नए चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, टेक जो मैं यूज़ करता हूँ, और उसके अलावा हेल्थ के वीडियोज़ भी कभी कभी आ जाते हैं, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर एंड आई शेयर माई इन्फॉर्मेशन, क्रूशल इन्फॉर्मेशन जो मुझे शेयर करनी चाहिए आप सबकी हेल्थ के लिए। तो इन किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड आज वीडियो आया ड्रोन लवर्स के लिए, नया ड्रोन लॉन्च कर दिया है DJI ने। तो सबसे पहले ये ड्रोन प्रैक्टिकली बात करूंगा, तो मेरे हिसाब से कुछ खास वाव फैक्टर DJI ने अभी नहीं प्रेजेंट किया है। एक तरह से ये गैप फिलर है, गैप फिलर इन द सेंस, क्योंकि जो इनका मेन लॉन्चेस हैं वो डिले हो गई हैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। और फैंटम के बारे में मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका था कि नया फैंटम रिलीज़ होगा, और उसमें जो कुछ सोचा गया था वो इस फैंटम में उस हिसाब से नहीं डाला गया है। बहरहाल जो भी डाला गया मैं आपको क्लियर कर दूंगा क्या नया है, बट प्रैक्टिकली देखा है 2 लाइनों में तो कुछ नया प्रैक्टिकली नहीं कह सकते। एक दो फीचर्स जैसे सैमसंग कर रहा है ना, सैमसंग 30S निकाल के सैमसंग 31 निकाल दिया, उसके बाद थोड़ा लोअर वर्जन में अब आई थिंक 21S भी आने वाला है, उस पर भी वीडियो आएगा जल्द, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया। तो उस तरह से फैंटम की एक 4 की ही एक और सीरीज़ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इन्होंने कर दिया फैंटम वो प्रो V2 निकाल के। तो क्या की डिफरेंसेस हैं इसमें मैं आपको बता देता हूँ अभी। पहला डिफरेंस है इसमें, इन्होंने जो जिसको ये हाईलाइट कर रहे हैं, जो एक्चुअल में डिफरेंट है वो है इसका रिमोट कंट्रोल। इसके रिमोट कंट्रोल में आपको स्क्रीन इनबिल्ट मिलेगी, वैसे फीचर बहुत अच्छा है, लेकिन जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है, जिस हिसाब से ईवो के ड्रोन्स इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, उस हिसाब से इस तरह की चीज़ें करना आई डोंट थिंक सो DJI को करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से ये DJI ने गैप फिलर डाला है कि उनको नए ड्रोन्स को लॉन्च करने में थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा एडवांस होंगे, तो बीच में गैप ना रहे ज़्यादा, तो उस हिसाब से उन्होंने एक छोटी सी एक दो मॉडिफिकेशन करके फैंटम 4 प्रो का V2 वर्जन लॉन्च कर दिया। तो उसमें पहला डिफरेंस आपको मिलेगा रिमोट कंट्रोल, जिसमें आपको इनबिल्ट स्क्रीन मिलेगी, तो आपको मोबाइल लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये फीचर बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो फंडा है ना मोबाइल को बीच में लगाना, फिर मोबाइल पे डाउनलोड करना ऐप, बड़ा बेकार मेरे हिसाब से देखा जाए तो अच्छा नहीं है। आपका एक फ़ोन यूज़ हो रहा है वहाँ पे, फ़ोन वहाँ पे वेस्ट हो रहा है, उसमें फिर ऐप करो 100 चीज़ें, उसको फिर कनेक्ट करो, इट इज़ नॉट गुड एट ऑल। आज के ज़माने में फटाफट इनबिल्ट लैप मतलब रिमोट में सब कुछ होना चाहिए, ऑन किया और स्टार्ट, तो वो चीज़ इसमें आ गई है, दैट इज़ गुड। बट एक पहला फीचर ये है। सेकेंड इसमें नया फीचर उन्होंने जो उसको ये हाईलाइट कर रहे हैं कि 5 डायरेक्शन ऑब्स्टिकल सेंसिंग डाल दिया है इसमें। तो सेंसर्स के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उस पर कभी रिलाई नहीं करना चाहिए, वैसे थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा कर देते हैं, बट जब आप सिनेमेटिक शूट कर रहे हैं तो सेंसर्स को, ऐसे सेंसर को जो कि एकदम रुक जाएंगे ऑब्स्टिकल के आगे, वो आपका सिनेमेटिक शॉट को ख़राब ही करेंगे। आइडली जितने भी सिनेमेटिक शॉट्स लिए जाते हैं सेंसर्स को ऑफ करके जो सिनेमेटोग्राफर लेता है, क्योंकि इस ड्रोन से अगर आपने ऑब्स्टिकल सेंसिंग ऑन करके सिनेमेटिक शॉट कोई लेना है, तो कोई बीच में गलती से ऑब्स्टिकल आ गया तो वहीं पर रुक जाएगा और जो फ्लो है शॉट का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से ऑब्स्टिकल सेंसिंग इट्स नॉट ए गुड थिंग इन व्यू ऑफ सिनेमेटिक शॉट्स। तो इसलिए ईवो ने जो पेश कर दिया, ईवो ड्रोन्स ने, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसर डाल दिए हैं कि वो अगर ऑब्स्टिकल आ भी जाता है तो इस तरह से मॉड्यूलेट कर देते हैं पूरे माहौल को कि वहाँ रुकते नहीं है, ब्रेक नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा उसको साइड से ले लिया,
तो उस तरह से थोड़ा आपको झटका नहीं लगता और शॉट खराब नहीं होता। तो उस हिसाब से वैसा कुछ एक्सपेक्टेशन थी, मे बी वो आने वाले मैविक 3 में मिलेगी, मैविक 3 प्रो में, तो बन रहे, जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो दूसरा ये फीचर हाईलाइट हो रहा है। तीसरा इसमें आपको कह रहे हैं 30 मिनट्स का टाइम क्लेम होगा, दैट इज नॉट अ न्यू थिंग आई थिंक, क्योंकि मैविक 2 प्रो भी ऑलमोस्ट दे रहा है, मैविक मिनी उतना अच्छा दे रहा है, तो उसमें कुछ ये नहीं कहेंगे बहुत खास कुछ कर दिया। ऑक्यू सिंक 2 कह रहे हैं, तो उसमें भी कुछ मुझे नया नहीं लगता है, क्योंकि ऑक्यू 2 सिंक ऑलरेडी हमारे पास मैविक 2 प्रो वगैरह जैसे में काफ़ी अच्छा एडवांस है, तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक सो इसमें भी कुछ नई चीज़ आपको मिलेगी। और इसमें इसके अलावा और कुछ मोटा मोटा जो मैंने आपको बता दिया, यही फॉर्म फैक्टर सेम है, वही वाइट कलर में इन्होंने निकाल दिया। ब्लैक कलर की पहले बात हो रही थी कि ऑल ब्लैक में आएगा, ब्लैक कलर इज़ मोस्ट मोर फेवरेबल इन द स्काई, क्योंकि विजन अच्छा हो जाता है, कंट्रास्ट मिलता है, वाइट थोड़ा लुप्त हो जाता है, वैसे बहुत बड़ा है। दिस टाइम काइंड ऑफ बल्की थिंग्स आर नॉट फॉर कंज्यूमर्स, जैसे मैं कहूँ, जैसे हमें ऐसी चीज़ें नहीं पसंद, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं ट्रैवल पे, हमने ड्रोन शॉट्स लेने हैं, इतना बड़ा डब्बा ले जाना बहुत मुश्किल है। तो ये सिर्फ जो प्रोफेशनल लोग हैं जो बेसिकली इसी फील्ड में हैं, जैसे काफ़ी वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं और जो म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, तो उनके पास काफ़ी मतलब होता है, अपने इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेटर्स वगैरह बहुत होता है, और उनके पास टोटल पूरा कैरी करने के लिए ट्रक वगैरह या कुछ होता है, उसमें वो सिस्टम ये सारा सामान लेके जाते हैं। तो टोटल प्रोफेशनल लोगों के लिए ही ये ड्रोन लॉन्च हुआ है, और उसमें एक दो चीज़ें उन्होंने नई दे दी हैं ताकि थोड़ा जल्दी से उनका काम हो सके। और एक इसमें खास फीचर, इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, मैकेनिकल शटर। बाकी जो पिछले ड्रोन से उसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर था, तो शटर क्या है, बेसिकली लाइट को रोकता है और या खुलता है तो उसमें लाइट आती है, तो एक तरह से दरवाज़ा है कैमरे के अंदर। इसमें मैकेनिकल शटर देके इन्होंने थोड़ा रोलिंग इफेक्ट जो आता है, रोलिंग इफेक्ट ये होता है जब आपका कैमरा घूमता है तो थोड़ा ब्लर आ जाता है, उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ी फोटो आती है, अगर आप ध्यान से देखें, वैसे इतना हमारे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे कुछ जिनको ये अफेक्ट करता है रोलिंग शटर, तो उनके लिए इन्होंने इस ड्रोन में मैकेनिकल शटर डाल दिया, तो उसमें रोलिंग शटर की मतलब जो क्षमता है काफ़ी कम, मतलब रोलिंग शटर की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी काफ़ी कम हो जाती है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे लिए भी उसका इतना कुछ यूज़ है नहीं। तो ऑल एंड ऑल इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली न्यू ड्रोन, क्या कहेंगे, ये गैप फिलर है, जो कि उन्होंने एक टाइम ले लिया है इसको लॉन्च करके, कि नए जो ड्रोन आने वाला है एडवांस, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, तो मीन वाइल ऐसा ना लगे कि DJI कुछ लॉन्च नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से इन्होंने ये लॉन्च कर दिया। तो कंज्यूमर ड्रोन मैं इसको नहीं कहूँगा, ये बेसिकली प्रोफेशनल लेवल पे है, जो कि लोग रोज़ ये काम करते हैं और उनको इक्विपमेंट चाहिए और उनमें थोड़ा सा ईजी उनको हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाएगा बैटरी का, सो दैट्स इट। दिस इज़ नॉट टोटली कंज्यूमर ड्रोन, जैसे मैविक प्रो 2 था और मैविक 3 का जिनको इंतज़ार है, कॉम्पैक्ट फोल्डेबल, वो हमारी चॉइस है। तो जो प्रोफेशनल लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आप फैंटम ही लेना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट फैंटम एवर, क्योंकि इसमें एक दो फीचर जिन्होंने नए डाल दिए हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो फैंटम ही आपकी चॉइस है, देन यू कैन बाय दिस वन। और अभी $1600 का इस पे रेट कोड हुआ है, तो इंडिया में काफ़ी अभी तो आएगा भी नहीं, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, टाइम लगेगा। तो मीन वाइल अगर आप प्रोफेशनल हैं, वेडिंग फोटोग्राफर हैं, म्यूज़िक वीडियो शूट्स करते हैं, और आपको एक अच्छे ड्रोन जो कि रिलायबल हो, देन यू कैन गो फॉर दिस वन। बट मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करूँगा, प्रोफेशनली भी अगर आपने जाना है तो मैविक प्रो सीरीज़ काफ़ी कुछ अच्छा दे रही हैं, आपको फोल्डेबल फोल्डिंग चीज़ मिलती है, उसको रखना आसान, ले जाना आसान, और उसमें काफ़ी नए इनोवेटिव फीचर्स आने की उम्मीद है, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत है। ईवो ड्रोन को DJI ने बीट करना है, तो डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इसमें आएगी। तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, बाकी डिटेल्स आप पढ़ भी सकते हैं DJI की साइट पे। तो मेरा मोटिव यही होता है कि आपको आसान लैंग्वेज में बता दिया जाए क्या है नए ड्रोन में, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और अपना विचार ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये ड्रोन। दैट्स इट फॉर नाउ, और स्टे एट होम, इस वीडियो को एंजॉय करें और घर पे रहें, क्योंकि घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 3 के पास हम आने वाले हैं, लग रहा है आसार, तो उस पर भी मेरा वीडियो नेक्स्ट वीक तक आएगा, अगर कुछ ज़्यादा अपडेट मिलती है, कुछ ज़्यादा गड़बड़ होती है तो। प्लीज़ मैं यही मेरे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रे करूँगा कि आप घर पे रहें और
जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस वाला सिचुएशन दूर हो। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी।